थैंक यू माधवी, थैंक यू। एक्चुअली प्रेस करना भी एक आर्ट है माधवी, क्या हर एक के बस की बात नहीं है वो। मतलब मैं हमेशा जब भी प्रेस करता हूँ ना, तो दो चीजों को खास नोटिस करता हूँ। एक इस्त्री का टेम्परेचर और दूसरी कि कपड़ों पे कितनी सिलवटे हैं। जब भी कोई मुझे सिलवट दिखती है तो मैं पहले नोटिस करता हूँ कि वो कितनी गहरी है, कितनी कड़क है। फिर स्प्रे को लेके उस पर पानी छिड़कता हूँ। उसके बाद जितनी इस्त्री गर्म है उतनी ही, जितनी चाहिए मतलब, उतनी गर्म करके उस पर ऐसे करके ऐसे आवाज किसको बोल रही हो? आपसे। आप चने के पेड़ पे चढ़े हैं ना, तो नीचे उतरिए। आ गए? का है? प्रेस की नहीं, ड्रेस की बात हो रही थी, जो सोनू ने बनाया है कोमल भाभी के लिए। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो क्या है प्रेस और ड्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन नहीं, वाकई सोनू बहुत बढ़िया डिजाइन किया है तुमने ड्रेस। मैं तो बोलता हूँ कि तुम मेरे लिए कुर्ता डिजाइन करो, मतलब ऐसा कुर्ता डिजाइन करो कि जो पहनने के बाद लोगों को ऑटोमेटिक पता चले कि मैं एक में सेक्रेटरी हूँ या तो शिक्षक हूँ। यू नो कुर्ता सूट्स मी अ लॉट, कुर्ते में बहुत अच्छा लगता हूँ मैं, परफेक्ट लगता हूँ कुर्ते में। तो वो वैसे ही नहीं, चने का पेड़ ही उखाड़ दिया। क्या आप बार बार चढ़ रहे थे ना पेड़ पे? काए काए चल रहे, कब से खुद की तारीफ किए जा रहे हैं आप? यहाँ कोमल भाभी के ड्रेस की बात हो रही है जो हमारी बेटी ने डिजाइन किया है। आई जस्ट होप बेस्ट कपल का अवार्ड उनको ही मिले। नहीं नहीं, मिलेगा 100%। सोनू तुमने बहुत बढ़िया ड्रेस डिजाइन किया है, देखना बेस्ट कपल का अवार्ड हाथी कपल को ही मिलने वाला है। क्या बात है? हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। हर साल की तरह इस साल भी हम मौज मस्ती और हंसी खुशी के लिए इकट्ठा हुए हैं, और आज की इस डॉक्टर एसोसिएशन की पार्टी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तालियां। अरे देसाई भाई, पार्टी शुरू करो। यस यस ऑफ कोर्स, अब समय है मौज मस्ती और एंजॉय करने का। और एक खास बात, आज की शाम हम बेस्ट कपल को अवार्ड देने वाले हैं। जी हाँ, और ये है वो अवार्ड। और ये अवार्ड किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। Till then, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। कि ये बलून आपको किस लिए दिया गया? ये बलून जिस कपल के पास लास्ट तक रहेगा वही कपल आज की पार्टी का बेस्ट कपल होगा। डांस करते वक्त ये बलून हर कपल के बीच में रहना चाहिए इस तरह। आप सभी को इस बलून के इर्द गिर्द ही डांस करना है, ऐसे और ऐसे। इन शॉर्ट, बलून गिरना नहीं चाहिए। आउच, बलून गिर गया। और अगर बलून गिर जाता है या फूट जाता है तो वो कपल डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी? गुड, म्यूजिक प्लीज।
दोस्तों अब वक्त आ गया ये अनाउंस करने का कि आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड किसे मिलता है। आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड मिलता है मिस्टर एंड मिसेस हाथी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, वेलकम। थैंक यू। दोस्तों अधूरा था मैं इस दुनिया में, कोमल के आने से पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी लाइफ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी वाइफ। लोग हस्बैंड वाइफ पे चाहे कितने भी जोक बना ले, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मोबाइल है तो दूसरा सिम कार्ड, और सिम कार्ड के बिना मोबाइल तो चल नहीं सकता। बेस्ट रोमांटिक कपल। मुझे लगता था मैं कितनी मोटी हूं, मुझे मेरे साइज के कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं मिलती। लोग आश्चर्य से मुझे देखते थे, पर हंस ने मुझे समझाया कि इंसान को तन से नहीं मन से पहचाना जाता है। मैं मोटी हूं या मैं मोटा हूं इसलिए दूसरों से इंफीरियर हूं और दूसरे मुझसे बेहतर है, ये सोच के साथ जीना थोड़ा गलत है। प्यार शरीर को नहीं सिर्फ मन को देखता है। थैंक यू हंस, एंड थैंक्स टू यू ऑल टू। थैंक यू सो मच। तेरे हाथ का बना जोड़ा पीने का मजा ही कुछ और है। और यार दिल खुश कर देता है। ले भी ले एक ग्लास होल्ड ले। हां हां बराबर बराबर। एक मिनट पे अब्दुल, दूसरा ग्लास बनाने से पहले ये बता कि सोडा पे जीएसटी लगता है? सोडा पे भी टैक्स लगता है? अरे सोडी सोडा क्या, हर चीज पे जीएसटी लगता है। अभी मेरी दुकान में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, मैं जो भी बेचूं सब पे जीएसटी लगता है। जयडालाल, तुम कस्टमर से जीएसटी तो लेता है, लेकिन आगे वो गवर्नमेंट को भरता है या गोलमाल कर देता है? क्या यार भाई, जब देखो तब आप बिना वजह मेरी मेथी मारने पे क्यों तुले रहते हैं? मेथी मारना मतलब? मेथी मारना मतलब ताना मारना। ओ अच्छा, ओ मेथी का ये भी मतलब होता है, आज पता चलिया। मुहावरा भाई मुहावरा। जयडालाल तुमने जवाब नहीं दिया। अरे यार भाई, जब भी जीएसटी नहीं था ना तब भी तुम जीएसटी भरता था? अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार, आपको किसने साइनस का सर्टिफिकेट किसने दिया? जब भी जीएसटी नहीं था तभी मैं जीएसटी कैसे भरूंगा? तभी तो वाट लगता था ना। वाट लगता था? अरे यार भाई, आप समझने की कोशिश करो, जेठालाल के कहने का मतलब है वेट लगता था, वेट वैल्यू एडेड टैक्स। जो भी टैक्स लगता था, लेकिन तुम वो आगे गवर्नमेंट को भरता था या ऐसे ही फिर गोपाल कर देता था? बताओ बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं आपको? आप क्या इनकम टैक्स ऑफिसर है? अरे यार भाई, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। कल भी टैक्स भरता था, आज भी भरता हूँ और आगे भी भरता रहूंगा। अरे भाई अब्दुल, तूने बताया नहीं सोडा पे जीएसटी लगता है कि नहीं? ओ यारो, वो जीएसटी से याद आया, आजकल रोशन डार्लिंग और मेरे बीच में जब भी नोकझोंक होती है ना तो वो एक ही गल कहती है, जीएसटी। रोशन भाभी जीएसटी क्यों बोलती है? किया ना, उसके जीएसटी का अलग ही मतलब है। क्या? अरे अरे जो तो रोशन डार्लिंग के जीएसटी का मतलब है गलती सारी तुम्हारी। अरे भाई सोढ़ी, ये सिर्फ रोशन भाभी का ही नहीं, इस देश की हर पत्नी का यही हथियार है। जब भी बहसबाजी हो झगड़ा हो पति को बोल दो जीएसटी गलती सिर्फ तुम्हारी। और हेलो हाथी पे कोमल भाभी आ गए। अरे आइए आइए आइए। पार्टी
बस पार्टी शार्टी करके आ रहे हो? अरे छोटी, तुम्हारी तरह की पार्टी शार्टी नहीं थी वहाँ पर। कमल मामी, पार्टी कैसा था? अय्यर भाई, पार्टी बहुत अच्छा था। वाह, और क्या खाना था वहाँ पे? स्टार्टर में कुरकुरे कबाब, पनीर टिक्का, पता नहीं क्या क्या स्टार्टर थे, कितने नाम के नाम। और मेन कोर्स में तो इटालियन खाना, चाइनीज खाना, इंडियन खाना। कमल, बस हो गया, बस हो गया। बस करो, इतना ज्यादा अगर बोलते जाओगे तो हम सबको फिर से भूख लग जाएगी। मुझे भी लग सकती है। अरे सबसे पहले ये बताइए, कोमल भाभी आतिफ भाई के बेस्ट कपल का अवार्ड मिला कि नहीं मिला? अरे भाई, वो तो हमको ही मिलना था। अरे मुबारक हो, मैंने और कोमल ने वहाँ ऐसा डांस किया कि पार्टी में सब देखते ही रह गए। अच्छा? हाँ? हंस, मैं घर चलती हूँ। ओके, मैं आता हूँ। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। अच्छा आतिफ भाई, आपने डांस कौन सा किया था? कपल डांस। अरे भाई, वो मुझे पता है, कपल डांस किया। मेरे कहने का मतलब था कि कौन से प्रकार का डांस किया, मतलब ऐसे लावणी किया, गरबा किया, डांडिया किया या कुचिपुड़ी किया। मैं काम करता हूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। हाँ तो ले लो, पोपटलाल को ले लो। फिर मैं क्यों? अब भाई, आतिफ भाई को पार्टनर चाहिए और तुमको तो सदियों से पार्टनर चाहिए। सही बात है। तभी ऑफर मिल रही है तो ले लो, क्यों मना कर रहे हो? ले 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 पापू, अच्छा ऑफर है, ले ले। अरे पोपटलाल, नृत्य करने का मौका तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। करो 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 यार। आप करिए भाई। अरे भाई, हम तो हमारी पत्नी की उंगलियों पर रोज नाचते हैं, आप करिए। पोपटलाल करो करो। आ जा पापू, हम भी तो देखे हाथी पोपट कट्टे। हो जा हाथी भाई, हो जा। अरे हाथी भाई, मजा आया ना बोबड़लाल? बहुत 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 मजा आया भाई। वाह वाह, मजा आ गया कपल डांस देख के। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, चलो अपने घर को चलते हैं। चलो भाई, चलो, चलो, चलो। अरे ए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आप लोग घर पे नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, घर पे क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, तू लेट आया, उसमें हमारी क्या गलती है भाई? तू सोडा पार्सल करवा ले और घर चल। नहीं, मुझे सोडा वोडा नहीं चाहिए, तुम लोग घर नहीं जा सकते अभी। अरे भाई, अरे पर ये तो बताओ, तुम हम सब लोगों को यहाँ क्यों रोक रहे हो? घर जाने से क्यों मना कर रहे हो भाई? मेहता साहब, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जीएसटी की बात करनी है। जीएसटी पर लंबी चर्चा हो गई है भाई। जेठालाल जीएसटी भरता था, भरता है और भरता रहेगा। भरता था मतलब? पहले जीएसटी कहाँ था? आत्माराम, पोपड़लाल का कहना है कि पहले वाट लगता था ना। अरे ओ अय्यर भाई, बस अबे बंद करो ना, कई कई वेड़ा। वेड़ा क्या मतलब जी? वेड़ा नहीं छोटी, वेड़ा वेड़ा, कई कई वेड़ा। और कई कई वो रामायण में नहीं है जिसकी वजह से रामायण हुई? बोल बोल भाई, भीड़े बोल, क्या जीएसटी की क्या बात करनी? हाँ बताओ। हाँ, अरे मैं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोकुलधाम के जीएसटी की बात कर रहा हूँ। गणपति सार्वजनिक त्योहार। ओहो, लाया बापू लाया, मार मार के जीएसटी में बिठाया गणपति सार्वजनिक त्योहार। लेकिन ये तो गलत है ना भाई, सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है ना, गणपति सार्वजनिक त्योहार थोड़ी होता है। नहीं जेठला, जीएसटी इसलिए क्योंकि जीएसटी बोलने के बाद कैसे कंपल्शन आता है, कोई बच नहीं सकता है। वो तो बचना किसको है, वो हर साल की तरह फर्स्ट क्लास मनाएंगे जीएसटी। बराबर है, बराबर है। चलो अभी कर जाना। अरे रुको, लेकिन मैंने अभी तक बात शुरू ही कहा कि भाई। तो करना जल्दी, क्या है बोलना? हाँ तो बात यह है कि मतलब इस साल ऐसा विचार है कि हम लोग जो गणपति बापा की मूर्ति लाएंगे ना, वो पुणे के जो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की मूर्ति है ना, बिल्कुल उसकी प्रतिकृति होगी। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जैसी मूर्ति, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी सब तैयारियों का क्या दोस्त, वो कौन करेगा? वो तो टप्पू करता है ना, और वो क्या करने वाला है वो किसी को कहाँ बताता है। वैसे जेठला, एक काम करो ना, जरा आइडिया से टप्पू को पूछ लो ना कि वो क्या करने वाला है। नहीं भाई, नहीं, मैं उसका कुछ पूछने वाला नहीं हूँ, ये तेरे और टप्पू के बीच की बात है, तू जाने टप्पू जाने। ओ पिड़ो, ओ लास्ट टाइम भी तेरे को कोई आइडिया नहीं था, पर टप्पू पुत्र ने फर्स्ट क्लास जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया था ना।
चलो भी चलो आप कार चलो 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 एक मिनट भाई सोड़े पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता ये मुझे पता नहीं है कल पूछ के बता दूंगा आपको ठीक है भाई ठीक है कल बता अरे वाह ये बहुत अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ दादाजी अरे टपुड़ा भारत की सर्वोच्च अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना निजता का मौलिक अधिकार मतलब टपुड़ा निजता का मौलिक अधिकार मतलब हर इंसान को ये हक है कि अपने बारे में किसको क्या बताना कितना बताना और अगर तुम चाहो कि अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है तो तुम्हें पूरा हक है कि अपनी निजी जानकारी किसी को भी ना दो अरे वाह एक मिनट दादाजी हाँ हाँ वाटी अंकल बोलिए बोलिए हाँ 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 जैसा मैंने कहा था मंडप वैसा ही बनना चाहिए ओके अरे आप खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हो मैं हूं ना हाँ मंडप एकदम चकाचक दिखना चाहिए ओके हाँ ओके ओके बाय अरे टप्पू बेटा हाँ इस बार गणपति में आप लोगों ने क्या करने का नक्की किया है चलिए दादाजी कैच कैच खेलते हैं ये लीजिए ए भाई मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ अरे दादाजी लाइए ना कैच दीजिए ना हाँ ये लीजिए अरे संभाल ले ले देखा बापू जी देखा देखिए इसकी वाइडे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब देने की जगह आपके साथ खेलने लगा टप्पो बता दे बेटा ठीक है दादाजी तो सुनिए पापा इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की प्रतिकृति ला रहे अरे भाई वो तो सबको पता है तो गणपति में क्या डेकोरेशन करने वाला है क्या रंगारंग कार्यक्रम रखा है वो पूछ रहा हूँ दादाजी लाइए ना कैच कैच खेलते हैं हाँ, मौल टप्पो बापूजी अरे क्या छोटे बच्चे की तरह बापूजी कर रहा है अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है पर देखे ना जवाब ही नहीं दे रहा है वो तू जाने और टप्पू जाने अरे ये ऐसा नहीं मानेगा बॉल ही ले लेता हूँ लाइए पापा बोल दीजिए नहीं पहले बता अरे पापा वो मैं आपको नहीं बता सकता बेटा वो भिड़े अंकल बहुत टेंशन में है कि तू क्या करने वाला है पापा मैं जो भी करूंगा सब अच्छा ही करूंगा है ना दादाजी हाँ हाँ मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है टपुड़ा तू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा भरोसा तो मुझे भी है बापूजी लेकिन अच्छा चल मुझे नहीं तो भिड़े अंकल को तो बता दे उसको बेचारे को शांति हो जाए वो सरप्राइज है पापा अगर बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रहेगा अच्छा चल भिड़े अंकल को छोड़ मुझे बता चल अरे पापा बोला ना सरप्राइज है अरे सरप्राइज बड़ी बता सीधा सीधा मैं नहीं बताऊंगा टप्पू बताता है क्या सॉरी पापा आप मुझे कुछ भी बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि निजता मेरा मौलिक अधिकार है मुझे किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये मेरा निजी अधिकार है देखो बापू जी क्या बोल रहे हैं अरे जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है क्या बताना क्या नहीं बताना वो उसका निजी अधिकार है लेकिन बापू जी मैं सबको बताने की कहां बात कर रहा हूँ सिर्फ मुझे या भिड़े को बताने की बात कर रहा हूँ तो भिड़े बेचारा सच में बहुत टेंशन में घूम रहा है बापू जी डोंट वरी पापा भिड़े अंकल ने मुझे उनके यहीं बुलाया है मैं थोड़ी देर में उनके घर ही जा रहा हूँ तो मैं उनसे बात करके उनका टेंशन दूर कर दूंगा तो मित्रों आखिरकार डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को बेस्ट कपल का अवार्ड मिल गया और इस अवार्ड के मिलने से न केवल डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी बल्कि पूरा गोकुल धाम खुश है खुश तो होना चाहिए आखिरकार कोमल भाभी और हाथी भाई का एक किस्सा खुशी खुशी संपन्न हो गया और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की गोकुल धाम में गणेश उत्सव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है गोकुल धाम में गणपति बप्पा की सवारी बहुत धूमधाम से लाई जाएगी गोकुल धाम में और आयोजन में क्या क्या होगा मंडप कैसे सजाया जाएगा ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.